क्या क्या कर रही है ये? गुदगुदी कर रही है? ओ ओ ओ हाँ, आंखें खुल गई और सो गई। मायरा, मसाज दे दी, नहीं नहीं कर दिया, सो गई। अच्छा बेबी का मसाज तो रोज हो रहा है, वैसे तो मेरा भी हो रहा है लेकिन मसाज वाली नहीं आ रही 3 दिन से, और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या चलो करें? भाई, आज भी दे देंगे। आज भी दे देंगे मतलब है क्या? आज तुम पहली पहले भी बार दिया दे? था ना मैंने, हाँ पहले दिया था लेकिन बेबी के बाद तो आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है दे दे सकते हो क्या? देंगे, दे देंगे। पक्का? हाँ, जाओ किससे फिर लेके लेना आओ, है वो वहाँ बेडरूम में पीला तेल पड़ा है, भाई? कितनी बोतलें खाली करोगे यार? लाता हूँ, बड़ी हो चलो। जाएगी तो उसको भी उसी से मसाज करूंगी। मायरा सोई सोई कर लो, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? यार मम्मी का मसाज नहीं हो पाएगा, प्लीज सो जाओ, सो जाओ, प्लीज 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 सो जाओ। नहीं घबरा रही है क्या? ये हिला दिया क्या मतलब, वो? मुझे घबरा रही है। अरे बाप रे अंगड़ाइयाँ, ये पालना है इसका बहुत जल्दी छोटा पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, आप खेल गाइज, आप लो। लोग पूछ रहे थे बेबी का वेट कितना है अभी करंट, तो अभी आपको बता दें बेबी का वेट है, नजर मत लगा ना, 4.5 किलो। हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, फैमिली है, फैमिली की नजर नहीं लगने वाली है नैमी, घर वाले यस की नजर थोड़ी लगती है। हमारा का इंस्टा आईडी है हमारा sharma.2022, फॉलो करना। ये जल्दी सो रही, चलो ये रहा तेल, ये लो और इससे मेरा मसाज कर दो। चलो चलो भाई। बैठे बैठे करोगे? मुझे अच्छा लगता है गुलाब जल जैसा ना। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स आए नहीं आए प्रेगनेंसी के पहले, दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखा। मैं हमेशा सोने से पहले और नहाने से पहले ये लगा लिया करती थी, नमे बॉडी ऑयल, ये बॉडी को टोन भी करता है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, स्कार्स को फेड अवे कर देता है, तो अरे मेरे को तुम बहुत कहे सही कि लगता मैं से है। 3-4 साल से लगा रही हो तुम? हाँ मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ, मेरे कहीं भी पूरी बॉडी पे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, अगर होगा भी ना बचपन का, इतना माइनर होगा ना कि पास से देखने पे पता चलेगा, फिलहाल नहीं है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मसाज के लिए मैं कौन सा ऑयल यूज कर रही हूँ, सो मैं यही वाला ऑयल यूज कर रही हूँ। आप बोलोगे तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आप गर्ल हो, बॉय हो, विमेन हो, मैरिड हो, प्रेग्नेंट हो, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी स्कार्स तो सबके आ जाते हैं ना, जब वो लटकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, यहाँ कैसे स्कार्स आ जाते हैं। डिलीवरी के बाद मसाज बहुत जरूरी होता है, आप या तो अपनी सास से लें, या मम्मी से लें, या घर में कोई है, अगर घर में नहीं है कोई तो आप बाहर से मसाज वाली को भी लगवा सकते हैं। मेरी मसाज वाली फिलहाल आ नहीं रही है, तो इसीलिए प्रिंस दे रहे हैं मुझे, तो अभी आपको शो करना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं मसाज नहीं दे रही, और मैं अमायरा को भी मसाज नहीं दे रही, कमेंट आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑन कैमरा शो नहीं किया, सो व्हाट, अमायरा भी रोज मसाज देती है, उसको मैं करती हूँ, मैंने कोई मसाज वाली अमायरा के लिए नहीं लगवाई है, क्योंकि उसको मसाज करने में बहुत मजा आता है, उसके कोमल कोमल हाथ, सॉफ्ट सॉफ्ट मैं भी से देता हूँ मसाज। बॉडी को टच करने में मजा आता है। तो मॉर्निंग में मैं मसाज दे देती हूँ और इवनिंग में प्रिंस दे देते हैं, पर ऑन कैमरा आपको पूरा बॉडी मसाज शो नहीं कर सकती हूँ, इतना ही कर सकती थी, आपके कमेंट आए तो मैंने शो कर दिया। अंदर पाकी पूरा बॉडी मसाज मेरे को प्रिंस दे देंगे। आप इसमें भी कई लोग बोलने आ जाएंगे, तो प्रिंस से क्यों ले रहे हो, लगवाई तो है पर किससे लेंगे, पड़ोसी से? नहीं अब मतलब नहीं है तो लगवाओ क्या मसाज वाली, करें? तो अगर मतलब किसके पर्सनल काम भी हो सकते हैं, अगर कोई ना हो अवेलेबल तो आप ऐसे अपने हस्बैंड को भी बोल सकते हो, एंड ही सो काइंड कि उन्होंने दिया, देंगे अभी, थैंक यू। इन केस आप अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हो और स्कार्स को फेड अवे करना चाहते हो, अपनी स्किन को इवन टोन करना चाहते हो, ब्राइटन अप करना चाहते हो, सो मस्ट ट्राई नम्या बॉडी टोनिंग एंड स्कल्पटिंग वंडर ऑयल। सो गाइस मसाज हो गई है, बहुत काम और रिलीफ फील कर रही हूँ मैं, और अब अपनी सेहत को और हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खा रही हूँ च्यवनप्राश, जो कि मम्मी ने बनाया है, मम्मी बना के लेके आई थी। इसके अंदर मम्मी ने बोला कि 28 नहीं 38 अलग अलग जड़ी बूटियों का मिश्रण है, 32 या 38 ऐसे कुछ बोला। दिखाओ मैं पास भी खाती हूँ। सो ये च्यवनप्राश मम्मी ने बनाया और बोला कि रोज 1 चम्मच खाना। ये तो खा ही रही हूँ, साथ साथ लड्डू भी खा रही हूँ, दिखाती हूँ कौन सा लड्डू इधर मैंने रखा हुआ है। ये गोंद के लड्डू, ये मेरा जो छोटा भाई है अमित, उसकी वाइफ है रिचा, उनकी मम्मी ने दिया है, तो उनका नाम रेखा है आंटी का भी नाम रेखा है। तो ये गोंद के लड्डू दिए, पूरा भर करके था, खा गई मैं, बहुत टेस्टी है, यम हेल्दी है। डिलीवरी के बाद गोंद के लड्डू खाने चाहिए। मैं आपको दिखाना भूल गई, मम्मी लेके आई थी, कुछ अमित ने भिजवाए कुछ मम्मी लेके आई है, ये कपड़े हैं, थोड़ी सी बड़ी और हो जाएगी तो पहनेगी हमारा, ये सूट सी शॉर्ट्स है,
ये पहनेगी, ठीक है। एंड एक और टॉप है एंड इसके अंदर कुछ कपड़े हैं एंड देन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक है। सो ये सब भैया अमित रचा मम्मी ये सब मिल करके चूज करके लिख के उन्होंने भिजवाया है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो पहन लेगी पर बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत कंफर्टेबल है और नजर ना लगे उसके लिए भी कुछ दिया है। तो ये बेबी को नजर ना लगे उसके लिए भी दिया है। इसे क्या आप बोलते हैं गाइस एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बताना। हाँ सो ये बांधेंगे बेबी को। और आप लोग के यहाँ पे क्या क्या करते हैं जब बेबी बॉर्न होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, भूत के लड्डू खाते हो यानी जो मम्मी ने मसाले बनाए हैं जिस चवनप्राश भी बोलते हैं हम लोग, वो आप लोग बनाते हो यानी, तो आप लोग बताना आप लोग क्या क्या करते हो, ठीक है। तो ये सारे हमारा के कपड़े मैं इस वार्डरोब में रखूंगी। तो ये है हमारा का वार्डरोब, इसके अंदर सजा के रखेंगे। यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है। पहले प्रिंस ने अपने कपड़े डाल दिए थे, सब निकाल के बाहर फेंक दिए, हमारा के कपड़े रखे हैं इसके अंदर सजा देंगे। गाइस हमारा की इंस्टा आईडी है amirashrma.2022। अगर हमारा की क्यूट फोटोज़ और वीडियोस देखना चाहते हो, रील्स देखना चाहते हो, तो ज़रूर उसको फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आने वाला व्लॉग अभी जो नेक्स्ट क्लिप आएगी वो हमने बेबी के बर्थ के पहले शूट किया था, उसके बाद बेबी के बर्थ के बाद भी शूट किया है, बट ये कुछ हफ्तों पुराना व्लॉग होगा। आप देख सकते हो उसमें हमारा कितनी छोटी सी प्यारी सी लग रही है, अभी तो वेट पुट ऑन थोड़ा बहुत किया है। सो आप एंजॉय कीजिए व्लॉग को बट कंफ्यूज मत होना। वेल हाय गाइस दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। आज मैं मॉल आ गया हूँ और बेबी के लिए वाइफ के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ। क्या गिफ्ट है आपको मिलेगा जब बेबी आ जाएगा तब, बाकी मैं व्लॉग पूरा बनाऊँगा अंदर जाके कैसे क्या होगा, ये आपके लिए और रेखा के लिए सरप्राइज होगा। बेबी बॉय बेबी गर्ल यूनिसेक्स लेते हैं बेबी के लिए गिफ्ट, साथ में रेखा के लिए लेते हैं। तो अभी देख रहा हूँ मैं, अभी भी आया हूँ मैं। Hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी बिटिया का गिफ्ट पेंडिंग है अमायरा का, वो थोड़ा लेट होएगा। हाँ रेखा का गिफ्ट आ गया था, मैंने सोचा रेखा का और अमायरा का गिफ्ट दोनों का एक साथ आ जाएगा। पापा लाए आपके लिए गिफ्ट, मैंने कहा रेखा को थोड़ी देर बाद आना, बाहर में डेकोरेट कर रहा हूँ, सरप्राइज है। नहीं वही टेबल पे लगाते ही रूम से सीधा अमायरा को गोद में लेके आके बैठ गई। कुछ भी हो गिफ्ट के नाम से सब कुछ छोड़ के काम ताम झाम वगैरह है सीधा आगे तुम बैठ गये, कुछ बोलो। ये कह रही पापा क्या बोले जा रहे हो, मैं अच्छी खासी नींद ले रही थी को जगा दिया, पर ये सुबह से सो रही है, मैं नहीं चाहती ये और सोए क्योंकि फिर रात को हमें नहीं सोने देगी। आप काफी देर से सो रहे हो, अब आप उठ जाओ नहीं तो आप हमें कुछ करने नहीं दोगे। चलो कोई नहीं सोने दो, अभी मैं जब इसको दूंगा उसको गिफ्ट हाथ से अपने हाथ से बनाऊंगा मैं, ठीक है। ओ वाओ यार तुम्हारे सामने तो रखा है, वाओ यार क्या नहीं व्यूअर्स को बता रही हूँ। सबसे पहली बात ये मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छी है। इतना अच्छा क्या अच्छी है? हाँ तो बहुत ही अच्छी है भाई। और इसके अंदर कुछ कैश है, ये तीनों लिफाफे में किसने दिया है? ये पेरेंट्स ने दिया है, मम्मी पापा ने दिया है, थैंक यू मम्मी पापा। एंड देन यहाँ पे और भी घर से आए हुए हैं गिफ्ट, वन टू थ्री एंड फोर, ये मेरी तरफ से है रेखा और अमायरा के लिए, ये लास्ट में खुलेगा क्या गिफ्ट है, ठीक है। अभी ये वाला गिफ्ट खोलते हैं और ये भी मम्मी पापा ने दिया है और बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी दिया है, एक एक करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं, ओके सो ये भैया की तरफ से आया है। देख लीजिए जल्दी बताओ मेरे लिए क्या है, और नाटक कर रही सोने का यार। थैंक यू भैया। एंड नेक्स्ट ओके नेक्स्ट ये भी भाई ने ही भेजा है, अमित ने भिजवाया है, तो देखते हैं। ओ वाओ अच्छा है, छन 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 मुझे बहुत प्यारी लगती है। छन 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 ये अमित और रिचा ने भिजवाया, मस्त बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर दिस, अमायरा कह रही है थैंक यू मामा मामी।
एंड देन इसके अंदर एक और गिफ्ट है। ये सारे गिफ्ट मैं देख चुकी हूँ, मैं आपके लिए इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। प्रिंस जो लेके आए वो नहीं देखा है अभी तक। सो ये मम्मी ने दिया था, मम्मी पापा दोनों की तरफ से है। ये अमायरा के लिए गोल्ड चेन है अमायरा के लिए, पर अभी नहीं पहनेगी क्योंकि ये छोटी है, तो हो सकता है मैं पहनूं मेरे में फिट आएगी। तुम पे इतना कुछ है भाई, क्या क्या पहनोगी? हाँ लेकिन गले में पहनने के लिए मेरे को ऐसी चेन चाहिए थी जो फिट आए, छोटी सी, ये फिट आएगी छोटी सी, तो शायद पहन लू। बट अमायरा का है, अमायरा पहन लू? नहीं मम्मा मेरे सामान को हाथ लगाने का, नहीं तो हाथ तोड़ के रख देगी। अच्छा मेरा सब कुछ अमायरा का है, तो अमायरा का मैं यूज नहीं कर सकती? हाँ ये बात तो है, सब तो अमायरा के लिए। और तुम्हारा गिफ्ट दो, अब तुम अनबॉक्स कर। अमायरा वाला दू पहले या तुम्हारे वाला तुम्हें दू? तुम्हारी मर्जी, अमायरा वाला ही दिखा दो। अमायरा का सबसे लास्ट में ग्रैंड ग्रैंड है अमायरा के लिए, मतलब हाँ ठीक है, ग्रैंड तो वैसे तुम्हारा ही है, सब कुछ अमायरा का ही है वैसे तो। हाँ वैसे भी जो कुछ भी मुझे देने वाले हो एक ना एक दिन अमायरा का ही हो जाएगा। तो तुम खोलोगी मैं खोलूँ? तुम दो मैं खोलती हूँ। उठाते हैं ये वाला। ओके ये इसमें लग रहा है कि काजू कतली है 100 ग्राम। यह चांदी का सिक्का भी हो सकता है। हाँ आराम से उठना जाओ। अब उठना ही चाहती मैं, चाहती हूँ ये उठ जाए। खोल दो बस, इतने दिनों से वेट कर रही थी मेरे गिफ्ट का फाइनली। अरे यार बनवाने में टाइम लगता है ना, ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। आराम से तोड़ मत देना। ओ वाओ, पर ये है क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या है? अबे तुम तोड़ोगी यार, कैसे निकाल रहे हो भाई? ऐसे ही तो निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, क्या है ये? लेकिन ब्रेसलेट है ये। ओके अच्छा तो यहाँ से खुलेगा? रुको रुको तुमने तो खोल लिया, पकड़ लो इसको एक बार। देखो बेटा ये मम्मी के लिए है, जैसे ही बड़े हो गए ये आप ही के लिए है, ठीक है? मम्मी का तो लल्लू बना दिया, पापा आपके लिए लेके आए। बहुत ही प्यारा लगा था यार मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है ना। वाओ ये एक गिफ्ट है, लव यू। और है वाह, लो पकड़ो, तुमने खोल लिया, मैं ही खोल के दिखाता हूँ फटाफट। अरे इतनी जल्दी फाड़ फूट के खोल दिया, ये देख, दिखने में लगेगा अमायरा के साइज का। अरे ये तो रिंग है। आएगा नहीं तुम्हारे हाथ में, छोटा साइज आ गया। वाह ये भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है यार। खोल दो, तुम खोल दो, कोई नहीं बाबू को तुम ही खोल दो, मैंने कम से कम खोलने को तो मिल रहा है भाई। बेटा ये भी आपके लिए है, बड़े हो जाओ सब कुछ आप ही को मिलेगा। मुझे चाहिए था ये, मुझे ये चाहिए था। थैंक यू, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इयररिंग्स चाहिए? सच में मेरे को इयररिंग चाहिए था। अभी ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है यार, दिस इज रियली एक्सपेंसिव, क्या जरूरत है इतना खर्च करने के लिए यार। बाबू तुमने 9 महीने तकलीफ झेली है। थैंक यू सो मच, बहुत बुरा, जब वापस कर दो बाबू, इतना बुरा लग रहा है तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो आप पहनाओ मुझे, आई कांट वेट टू वेयर दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। गाइस कमेंट करके बताओ सबसे सुंदर क्या लग रहा है आपको। हाँ एक ही में पहना दो। ओ भाई क्या कर दिया ये, बहुत ही अच्छा यार, नजर ना लगे भाई कसम से, बहुत ही प्यारा। मेरे पास डायमंड का इयररिंग मतलब एक ही था, वो तब भी कुछ खास नहीं लगता था मुझे, ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मुझे लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव भी है। कितने का ये? अरे जाने दो बेटा, बताता हूँ अभी, कोई नहीं हमें। हाँ बता दो, बचपन से ही, बच्चा जब बेबी आपका पैदा होने वाला होता है तब से ही आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है बेबी की पढ़ाई लिखाई सब कुछ के लिए, ठीक है? लास्ट ये है अमायरा के लिए। यस लो खोलो फिर, आपका गिफ्ट है तो तुम खोलो, पहनाऊंगा मैं, तुम ही खोल दो, मैं हूँ। लो इसे आराम से खोलूंगा, मैं याद में ही रखूंगा पहला रैपर, अमायरा गिफ्ट का रैपर मैं अपने पास ओके सजा के रखूंगा। इतना प्यार उसके रैपर से भी, देख रही है तेरे पापा को तेरे गिफ्ट रैपर से भी प्यार आ रहा है।
खोल लिया। वाह ये ब्रेसलेट है, दो ना इसको। कितना क्यूट है, वाह मम्मा टेडी बियर है। आपका कितना प्यारा गिफ्ट है, इसको तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो बेटा तू बड़ी होगी ना तो व्लॉग में देख लेना, ठीक है बेटा? लो ये हाथ में आएगा, ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा क्यूट सा। इसमें ना आगे साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अभी तो ये लूज है ना, पूरा पीछे दे रखा है इसमें जी, चेन दे रखी है टाइट के लिए ना। को अच्छे से रखती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है यार, मैचिंग मैचिंग मेरा भी है ना। हाँ इसकी ड्रेस भी मैच कर गया, ना जाने लगे मेरी बिटिया को। पर अभी कुछ गोल्ड का नहीं पहनाएंगे, छोटी है ना बहुत। मेरा मानना ये है जब आप सिंगल होते हैं तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखो, ठीक है, और फैमिली के ऊपर माता पिता के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी है लाइफ टाइम। और जब आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ जाता है, हाथों में हाथ आ जाते हैं, साथ फेरों के वचन आप निभाते हैं, तो पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट करो। फिर बच्चा आ जाता है तो पार्टनर के साथ बच्चे की इन्वेस्टमेंट करो। पैदा होते ही आप एजुकेशन आप एफडी वगैरह कुछ करा लीजिए, है ना। ज्वेलरी है वो अच्छा ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट करके रखे, फ्यूचर में 20 साल बाद अच्छी वैल्यू मिलेगी, है ना, 20-25-30 साल बाद। तो सब कुछ जो रेखा का है, जो मेरा है, वो मायरा का है। आज व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छे कॉमेंट्स करते हैं जो दिल को छू जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बोल लो, बोल दो बाय। बाल पकड़ खींचूंगी मैं, दूध पिलाओ जल्दी से, चलो दूध पिलाओ, टाइम हो गया।